गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद कर दिया तुसी सारे ठीक होगे। हुन मैं आज तुहाडे नाल एक बहुत जरूरी गल करन आई सी कि जिस तरह कोविड दे बहुत सारे केस स्पीड नाल वध रहे ने, सानू पहले दी तरह सानू सारिया नू अपना बहुत ध्यान रखना पएगा। उस तरह ही अपा कुछ टाइम तो पटियाला, जलंधर, लुधियाना, मोगा, कुछ अमृतसर दोबारा तो एक कुछ अदालतां फिक्स कीतियां सी कि इन्हां सब जगहां तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ केसिस आ रहे ने, ते हुण गवर्नमेंट दियां जड़ियां दोबारा तो रिस्ट्रिक्शंस लग गईयां ने, कुछ लोगों ने सैकेंड डोज भी नहीं लगवाई। उन हालात नूं देखदे हुए थोड़े दिन लई आपां उह अदालतां पोस्टपोन कीतियां ने, पर आपां जिन्ने भी केस ने कुछ एमरजेंसी अर्जेंट जिन्हां लोगों को हेल्प चाहिए, आपां उह केस उन्हां जिलों की पुलिस नूं भेजते ने और एक टाइम बाउंड कर दिता गया है कि 15 डेज सानू इंदी रिपोर्ट भेजी जाए। जिन लोगों की सैटिस्फैक्शन नहीं भी होएगी या लग रहा होएगा कि सानू जस्टिस नहीं मिलिया, साढ़े कोल केस ओपन ही रहेंगे और आपां और जिहड़े कुछ बहुत ही एमरजेंसी वाले केस होणगे एज यूजुअल आपां इत्थे अपने ऑफिस च, हैड ऑफिस च मैं इत्थे केस लगांदी रहांगी, उन्हां दी हेयरिंग होंदी रहेगी और कोशिश भी कीती जाएगी कि आपां जिवें ही हालात थोड़े काबू च आउंदे ने, गवर्नमेंट दी नवीं कोई भी गाइडलाइनस आ गईआं, आपां जिहड़ियां साडियां फिक्स्ड अदालत ने उह होणगीआं ही। उम्मीद करदी हां कि तुसीं गवर्नमेंट दी जिहड़ी भी गाइडलाइनस है उहनूं भी फॉलो अप करदे होए अपनी भी ध्यान दा अपना ध्यान रखोगे और सैकेंड डोज भी जिन्हां लोकां नूं नहीं लगी उह तुसीं लगवाओगे। दूसरा, मैं तुहाडे नाल कल भी साडे इत्थे अदालत सी, एक होर तुहानूं इनफॉर्मेशन देना चाहुंदी हां कि साडा हुण अपना एक यूट्यूब चैनल है मनीषा गुलाटी दे नाम तों, उहदा लिंक आपां नीचे दे दांगे, उहनूं तुसीं वध तों वध लोकी ज्वाइन करो, तुसीं सबसक्राइब करो, क्योंकि उस चैनल ते आपां अपनी एक खास सीरीज़ लै के आ रहे हाँ जिंदे च आपां तुहानूं सारिआं नूं कुछ इहो जिही स्टोरीज़, इहो जिही आपां सच्चाई नाल रूबरू मैं करवावांगी कि एक खास और एक आम औरत दी या एक खास मर्द दी और एक खास आम बंदे दी जिंदगी च की स्ट्रगल है, क्योंकि मेरा यह मानना है हर औरत और आदमी दे जीवन दा अपना वक्रा वक्रा स्ट्रगल है, वक्री वक्री प्रॉब्लम्स ने। इन्हां प्रॉब्लम्स तो जूझते हुए जो साडे कोल मेल और फीमेल कम्यूनिटी दोनों अपनी प्रॉब्लम्स लैके आते हैं, उन्हां दी मेंटल हेल्थ किन्नी सफर करती है, फिजिकल दर्द ते तुहाडे ठीक हो जाते हैं, कई वारी तुहाडे घरां च प्रॉब्लम्स होंदियां ने, लड़ाई झगड़े होंदे ने, साडे कोल भी कमीशन च तुसीं आंदे हो साडे भी हस्तक्षेप नाल या जो भी जिथे भी कोई कोशिश करता है चीज़ा ठीक हो जाती ने, पर मेरा यह मानना है कि जो मर्द या औरत की मैंटल हैल्थ सफ़र करती है वो मैंटल हैल्थ न ठीक करने तुहानू भी नहीं पता चलता कि तुम कितने स्ट्रगल कर रहे हो और कितने तुहानू किस चीज़ के सपोर्ट की जरूरत है, तो वह बहुत मायने रखती है। आपां रूबरू उन्हां लोकां नाल भी करवावांगे कि जिन्हां दी जिंदगी च बहुत सारियां प्रॉब्लम्स आईयां वो किस तरह उन्हां तों निकले और किस तरह उन्हां दी जीवन चेंज होया, वो सारे आपां स्टोरीज तुहाडे नाल लैके आवांगे। एक सीरीज़ लैके आ रही हाँ जिहड़ी एकदम लीक तो हटके होएगी, तो वह सिर्फ आपां यूट्यूब ते ही मैं वो लैके आवांगी, तो मैं चाहनी हाँ कि तुसीं भी वध तों वध अपने एक्सपीरियंस, अपने कमेंट, अपना सपोर्ट एज यूजुअल करते रहोगे। कल भी साढ़े इत्थे अदालत सी, हुण आपां आने वाले दिनों च आपां अपनी कमीशन की एक रिपोर्ट मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी कि उस पिछले सालों च 3 सालों च आपां किन्ने केस सॉल्व किए, किन्ने लोगों को सपोर्ट मिलिया, किन्ने लोगों ने अपने एक एफर्ट दिखाया। कल भी अदालत च साढ़े कोल आपां 4 तों 5 केस जिन्हां दा पैचअप हो गया, एक केस जिहड़ा कि बड़े मेरे दिल दे करीब सी, उहदा रीज़न इहो सी कि लड़की दे फादर ने बड़ा वड्डा बड़प्पन दिखाया, लड़की ने अपना बड़प्पन दिखाया कि इन्ने ज़्यादा इन लॉज दे एलीगेशन लगन तों बाद भी पुलिस थाने चन्ने टाइम तो केस चलन तो बाद भी मेरे को आ गया,
मेरे को भी लड़के दी फैमिली लेके आई सी, पर जदों लड़की नू मैं सुनिया, उनके फादर नू मैं मिली, ते मैनू जो हिस्ट्री समझ आई कि एक पास्ट नू लेके छेड़खानी की जा रही सी, और इन्नी हाई क्वालिफाइड लड़की होने तो बाद वो जड़ी सफर कर रही सी जीवन इस अपनी मेंटल हेल्थ नू भी लेके, पर जो बड़प्पन उनके फादर ने और लड़की ने दिखाया, कल अल्टीमेटली उन्हों का घर सैटल हो गया। पर एक वार्निंग भी दिती गई लड़के दे पेरेंट्स नू कि इन फ्यूचर ऐदा दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने माफ़ी भी मंगी, लिखित रूप में भी सानू दिता। पर मैं अप्रीशिएट करती हाँ कि उनके फादर दे बड़प्पन नू लड़की दे जड़ी समझदारी दिखाई, और उम्मीद करती हाँ कई बार साढ़े को शिकायत आदियां ने तो सब नू बड़ी हुंदा कि इमीडिएटली मेरे को भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि फटाफट जल्द तो जल्द कंप्लेंट आई कि अब इमीडिएट सब कुछ सेटल हो जाए। कई बारी एक काउंसलिंग, दो काउंसलिंग, तीन बारी बुलान ते चीज़ा सेटल होने से टाइम लगता है, पर साड़ी मेरी यही कोशिश रहती है कि किसी का घर टूटे ना, और तुहाडा सपोर्ट इदा ही मिलता रहे। उम्मीद करती हाँ कि तुसी जड़ियाँ भी हुण मेरी साड़ी अपील है उन्दे ते गौर करोगे, और आपां इसे तरह तुहाडी प्रॉब्लम्स नू हल करन लई मैं अपना एफर्ट करती रहांगी। थैंक यू, जय हिंद।